थानसिंगडी पंचायत अंतर्गत खेतो प्राथमिक स्कूल में सहायक अध्यापक सुरेश यादव के नेतृत्व में ग्रामीणों ने स्कूल पहुंचकर किया हंगामा। अधिकारी भी रहते हैं मौन। बता दें कि थानसिंगडी पंचायत के खेतो प्राथमिक विद्यालय में क्लास एक से लेकर पांच तक चलता है, जिसमें करीब 40 बच्चे के नामांकन हैं। स्कूल के बच्चों एवं अभिभावक ने बताया कि कोविड के समय का राशि अब तक नियम के अनुसार लगभग 1700 रुपए बांटनी थी, लेकिन सचिव राजेश साव ने बच्चों को मात्र किसी को 200 तो किसी को 300 रुपए दिए। इनकी जानकारी जब मीडिया को पता चला तो मीडिया इसकी सच्चाई जाननी चाहिए तो स्कूल के सहायक राजेश साव ने कहा कि हमने पूरा पैसा बच्चों को दे दिया, जबकि बच्चों ने बताया कि हम लोगों को 200 और 300 रुपए ही मिले हैं। इस बात को लेकर जब सहायक अध्यापक सुरेश यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये बात सत्य है कि पैसा तो दिया गया पर किसी बच्चे को 200 तो किसी को 300 रुपए ही दिए गए। इसका भी हमें भी विरोध करता आ रहा हूँ, पर उस समय सहायक राजेश जी बोले कि पैसा खर्च हो गया, बाद में दे देंगे, पर आज तक नहीं दिए। इतने में स्कूल के सचिव राजेश शाह और सहायक अध्यापक सुरेश यादव में बहस छिड़ गई और स्कूल का दरवाजा बंद करते हुए खिड़की से मीडिया को कहने लगे आप लोग जाइए, और बच्चों को डांटते हुए कहने लगा कि कोई नहीं बताएगा। इस बात को लेकर जब विद्यालय के प्रबंधन अध्यक्ष तालो सोरेन से पूछा गया तो कहा कि सचिव पर लगाए गए आरोप सही हैं, बच्चों को पूरा राशि वितरण नहीं किया गया, शौचालय भी कचड़े से भरा हुआ है, स्वच्छता का ख्याल नहीं रखा जाता, बच्चों की शिक्षा पर भी शिक्षकों का ध्यान नहीं रहता, सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। बताते चले कि ये गांव कभी नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, जिस कारण आज भी इस गांव में न नेता पहुंचते हैं न कोई अधिकारी। यही वजह है कि उस गांव में ना किसी तरह का विकास का कार्य हुआ, ना अच्छे स्कूल में अच्छे से पढ़ाई होती है। ग्रामीणों की माने तो अध्यापक लोग भी अपने मनमाने ढंग से कार्य करते हैं। अब देखना है कि क्या बच्चों को इंसाफ मिल पाएगा या सिर्फ खाना पूर्ति की जाएगी। अध्यापक जो है 20 साल से यहाँ पर नियुक्त हैं और किसी भी साल 20 दिन लगातार अपना ड्यूटी करने नहीं आए। 20 दिन लगातार? 20 दिन लगातार कभी ना आए, एक दिन दो दिन आते हैं, महीना में दो दिन हाजिरी बना के चल जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये कब का शिकायत है आपका? 20 साल से लगातार है, जब से नियुक्ति हुई तब। 20 साल से? 20 साल से लगातार। तो सर रुकिए, आप बीओ को सर इसके लिए सूचना दिए थे क्या? आवेदन वगैरह दिए थे? बीओ साहब अपने इंस्ट्रक्शन किए हैं। अच्छा, फिर भी इस तरह से हो जाता है? बीओ साहब इंफॉर्म के बाद डरने वाले नहीं है। अच्छा, डरने वाले में नहीं, सुधारने वाले नहीं है। अच्छा, क्या नाम है सर जी आपका? जी मेरा नाम राजेश कुमार, यूपीएस खेतो शंकुल नारोटार थानसिंगडी पंचायत खेतो प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक सुरेश कुमार। जैसा कि सचिव का आरोप है कि मैं पिछले 20 वर्ष से स्कूल नहीं आया हूं, तो बीच बीच में अधिकारी इंस्पेक्शन भी करते हैं, कभी कुछ कठिन परिस्थिति में बीमार अवस्था या गंभीर कोई ज़रूरत पर भले नहीं आए हों, लेकिन हमारा वीडियो भी है और ऑनलाइन हाजिरी भी अब बनता है। यहाँ भी बीच में सप्ताह में एक आध दिन कभी कभी दिक्कत होती है, तो उसके लिए बीच बीच में आवेदन भी डालते हैं। और जहाँ तक रहा 20 सालों से, तो इतना कोई पब्लिक बुड़बक नहीं है, क्योंकि अब जिस दिन भी हम पढ़ा रहे हैं आ रहे हैं जब, तो हमारा प्रतिदिन का वीडियो है और बच्चों का कॉपी में मेरा सिग्नेचर भी है, उसको भी देखा जा सकता है। और साथ ही साथ जो कोविड काल का पैसा जो ये 1700-1800 हर बच्चा का 5 रुपया रोज 360 दिन का लगभग 1800 जो होता है, उस पैसा का जो गबन कर गए, उसको उठाने के चलते कि बांटना ही पड़े नहीं पड़े, इसलिए दुर्भावना से प्रेरित होकर के हम पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि सचिव है, हर बार यही सिग्नेचर करते हैं। हमारे एब्सेंटी पर तब वहाँ से जाता है, सचिव और अध्यक्ष का सिग्नेचर होता है, लेकिन पैसा बांटने के चलते आज ये ब्लेम हम पर लगा रहे हैं कि आप ड्यूटी नहीं करते। चलिए ठीक।